गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने स्क्रीन भी शेयर किया हुआ है, और अगर सारा कुछ प्रॉपर चल रहा हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी कैन स्टार्ट द लेक्चर ऑफ दिस ऑफ द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट किया था। सो अब में से कुछ लोग न्यू हो सकते हैं, सो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। एंड ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। सो फर्स्ट थ्री चैप्टर्स जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे, एक यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा एरर एंड मेजरमेंट, तीसरा बेसिक मैथमेटिक्स। इस पर बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स से, मोशन चैप्टर से। और इन थ्री चैप्टर्स से हम फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। सो इसीलिए चैप्टर का नाम शॉर्ट में UND लिखा गया। लेक्चर नंबर 2 है ये। लास्ट क्लास में आपको आइडिया बताया था कि यूनिट क्या होता है, यूनिट किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन कौन से सिस्टम्स प्रिवेल करते हैं। सो उस पर अगर कोई आपको डाउट हो, दोज पीपल हु हैव अटेंडेड द लास्ट लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न, क्वेरी और कंफ्यूजन टू क्लैरिफाई, वो आप पूछ सकते हो। इफ ऑल इज गुड तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आज डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला, हाउ टू यूज दैट डायमेंशनल फार्मूला टू फॉर्म द फार्मूलाज और वेरीफाई इक्वेशन और सिमिलर स्टफ। चलिए तो मैं एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ कि यूनिट क्या होता है। सपोज कर लीजिए कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो भी हम बात करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। एनी क्वांटिटी यू कैच इन, जैसे हम स्पीड के बारे में बात करते हैं। और स्पीड को हम लोग ऐसा लिखते हैं, एज पर द डेफिनेशन, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को लोग डी से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वो सिंबल्स बदल सकते हैं, वो हार्डली मैटर करते हैं अपने लिए। टाइम को टी लिखते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है। सो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अ फॉर्मूला वी नो। आपके जो डाउट्स हैं मैं अभी लेने वाला हूँ, इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अगर कभी आपको स्पीड मेजर करना हो तो आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए। रेडीमेड डिवाइस आता है व्हीकल्स में, स्पीडोमीटर, आप रियल टाइम में मेजर कर सकते हो कितना स्पीड चल रहा है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कुछ एवरेज स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, उनके अपने डिफरेंसेस होते हैं। बट अगर कोई आपसे बोलता है कि स्पीड मैंने मेजर की है और स्पीड आपको 60 किलोमीटर पर आ रही है, अगर उसने ऐसा बोला 60 किलोमीटर पर आ रही है, इसका मतलब है कि हमको सफिशियंट इंफॉर्मेशन बता दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन से हमको पता चल रहा है कि क्या स्पीड से जा रहा है। अगर उसने किलोमीटर पर आवर नहीं बोला होता, केवल 60 बोला होता, तो फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, अंटिल अनलेस कि हमको यूज टू हो कि क्या चल रहा है। सो यूनिट को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एक्सप्रेसिंग द यूनिट हम लोग बोलेंगे कि इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन है, इन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो टर्म होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, और ये जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग वैल्यू भी बोल सकते हैं। और ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए केवल नंबर मैटर नहीं करता है, नंबर उसकी हाफ इंफॉर्मेशन है, उसका यूनिट बताना बहुत जरूरी होता है। और हम लोगों ने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट प्रिवेल करते हैं, जैसे SI सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे स्पीड का यूनिट निकालना होगा तो हम डिस्टेंस का यूनिट लिखेंगे, टाइम का यूनिट लिखेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस को किसने मेजर किया, इसने, किलोमीटर में। टाइम को किसने मेजर किया है, और आप चाहो तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर सकते हो और इसको सेकंड में मेजर कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, इसको मिनट में मेजर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये डिपेंड करता है आप पर। सो जो SI सिस्टम होता है उसमें हम लोग मीटर और सेकेंड और
केजी को यूज़ करते हैं, तो ऐसा ही यूनिट को हम लोग प्रॉपर यूज़ करेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। फिर ये कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम समझ सकते हैं। लास्ट क्लास में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था जो एग्जैक्टली लास्ट पे चल रहा था कि किसी भी क्वांटिटी के लिए ये जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? ये वही रहेगी। सपोज के लिए कोई व्हीकल जा रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो एक प्रैक्टिकली जो है वही है। सो उसको आप किस नंबर से रिलेट करते हो ये इस बात पे डिपेंड करता है कौन सा यूनिट आपने फॉलो किया है। सो हम ये कह सकते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है वो बराबर होती है किसी भी मेजरमेंट के लिए। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब उसका यूनिट। जैसे यहाँ पर हम इसको यूज करें तो किस तरह से यूज आएगा इसका? 60 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 60 है, यूनिट कितना है? किलोमीटर पर आवर है। अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे? आप लोगों को पता होगा एक फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बट हाउ टू गेट दैट फैक्टर उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं और उसमें सेकेंड्स कितने होते हैं। इसके लिए टेबल मैंने बना के दे रखी है, कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, सफिक्स की क्या वैल्यूज होती है वो सब आप उसे गो थ्रू कर लीजिए। सो ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल भी हो सकता है कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कितना वैल्यू आएगी। इनकेस अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो हम लोग क्या करेंगे, 60 को 60 रखेंगे, किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना हो मीटर में तो इसको क्या लिखने वाले हैं? 1000 मीटर। और इसको कन्वर्ट करना हो तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? 3600। 60 करेंगे मल्टीप्लाई तो मिनट आएगा, फिर 60 करेंगे तो 3600 आ जाएगा, सेकेंड्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एन टू वैल्यू और ये किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो एन टू हमारा मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। अब आप देखोगे कि ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो हमारे पास कितना बचा कि जो एन टू की वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 60 इन टू दिस नंबर विच इज गोइंग टू बी यू कैन कॉल इट एज 10/36 और 5/18, जिसको पॉपुलरली याद रखते हो कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आपका जाना पहचाना कन्वर्जन था। अगर आपको आइडिया समझ में आया है तो कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हो। अगर कोई भी वैल्यूज आपको पता हो, आप बोलोगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, किसी नए यूनिट पे ले जाना है तो उस नए यूनिट पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि मीटर पर सेकंड में एन टू कितना आएगा, तो एन टू की वैल्यू यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। आपका आंसर आएगा कि स्पीड को हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि इससे हम कंक्लूड कर सकते दिस स्पीड कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 / 18 और भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 6 से कैंसिल हो रहा है 6 10, तो 50/3 इजंट इट। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। सो दिस मेनी मीटर पर सेकेंड, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू विच वॉज 60 इन किलोमीटर पर आवर केम आउट टू बी 50/3 इन मीटर पर सेकेंड। सो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडिया क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। आप चाहो तो इसको और भी थर्ड पे ले जा सकते हो, जैसे अगर आप इसको N3 लिखो और सेंटीमीटर पर मिनट में कोई बोलता है कि आपको सेंटीमीटर पर मिनट में बताना है, ठीक है आप सेंटीमीटर पर मिनट लगा दो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। फिर आपको किसी भी यूनिट पे ले जाना हो उस पर ले जा सकते हो। तो इतना इस पर बेस अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। एंड 5/18 आप याद रखते हो, किलोमीटर आवर होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था और इसी को एक एग्जांपल से एलैबोरेट किया है। अब हम लोग डायमेंशन पे चलेंगे और डायमेंशन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ क्वेरीज है, पहले उसको मैं रीड कर लेता हूँ और उसका आंसर देता हूँ। आपकी क्वेरीज आती है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ये मैं बोल देता हूँ, कुछ लोग पर्सनल चैट कर देते हैं और कुछ लोग ये कॉमन चैट पे लिखते हैं। जैसे सॉलिड एंगल आपने पर्सनल चैट में लिखा, पर्सनल चैट पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको कुछ लिखना है तो ये मीटिंग वाला चैट है ना उस पर आप टाइप किए आपको करना होगा। और इन केस आपके पास लिखने को ज़्यादा क्वेरी है तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो, वो आपके पास अवेलेबल है। अनम्यूट करके आप बोल सकते हो कि आपका क्या क्वेश्चन है, मैं सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्स करता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आपने बोल दिया फिर म्यूट कर लेने का, ठीक है। अंकित सेज व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ स्टेरेडियन टू डिग्री। नो, स्टेरेडियन को हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं करते हैं। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में ही लिखते हैं।
जो प्लेन एंगल होता है उसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं और रेडियन में मेजर करते हैं, तो इसलिए डिग्रीज और रेडियन का कन्वर्जन रहता है। सॉलिड एंगल को हम लोग डिग्रीज में मेजर नहीं करते हैं, सॉलिड एंगल आर मेजर्ड इन स्टेरेडियन, तो उसका कोई कन्वर्जन नहीं है। एंड देन नेक्स्ट, श्रेया कुलकर्णी इज राइटिंग, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द सॉलिड एंगल ऑफ एनी फिगर अदर देन कोन, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला। श्रेया किसी और सरफेस के लिए सॉलिड एंगल निकालने के लिए अपने पास रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है और निकालना डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स में आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बताएंगे, एक बार आपको डिफ्रेंशिएशन सिखा देंगे तो एक फॉर्मूला बनता है जिसके बेसिस पर हम किसी भी केस का सॉलिड एंगल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वो किसी ज्योमेट्री का रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला बनता है। तो कुछ ऐसा रहता है, आपको वो सिंबल शायद परेशान करेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एरिया अपॉन आर स्क्वायर, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, सो इसलिए फॉर द टाइम बींग आप उसी को याद रखोगे और उसके अलावा आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। एरिया अपॉन आर स्क्वायर को करके निकालते हैं, वो फॉर्मूला अपने पास है, यूज करना है अपने को। दिया जैन, यू आर आस्किंग कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव यूनिट्स नो डायमेंशन। हाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के हम लोगों ने बात की, और प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट असाइन की गई है वो रेडियंस है, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन है, तो इनके पास यूनिट होता है। डायमेंशन क्यों नहीं होता है, अब लोग हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डायमेंशन क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए हमको ये समझना जरूरी है डायमेंशन होता क्या है। सो वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डायमेंशन, और उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करके डिसाइड कर लेंगे कि उनकी डायमेंशन क्यों नहीं है। एंड देन रिधि, यू आर राइटिंग एंगुलर वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इज इट डिराइव्ड फ्रॉम प्लेन एंगल? दैट्स गुड क्वेश्चन बेसिकली। कुछ चेंजेस हैं स्लाइटली, वो हम लोग बात करेंगे। आपको आपके आंसर को देने के लिए मैं ऐसे जरूर बोल सकता है कि जो लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं एंगल थीटा अपॉन टाइम, लूज सेंस में, ये लूज सेंस में बता रहा हूँ, प्रॉपर सेंस में हम आपको जब डिफाइन करेंगे तब बताएंगे। इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं, इसको टी कहते हैं। अब देखोगे कि इसका जो यूनिट आता है, दोस्त पीपल हु नो, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है सेकेंड, इसलिए इसको रेडियन पर सेकेंड बोलते हैं, है ना। और इसको हम टाइम से, टाइम हमारा फंडामेंटल जा रहा है। थीटा और ये सॉलिड एंगल है, ये दो क्वांटिटीज हैं जिनको हम ना फंडामेंटल में रखते हैं ना ड्राइव में रखते हैं, इनको एज अ सपोर्टिंग रखते हैं। कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सपोर्टिंग को भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि ओमेगा को। तो ओमेगा इज प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल। ये जो फंडामेंटल है, आप लोग एक दो लोगों ने और भी लिखा था ये पॉइंट, ये जो फंडामेंटल है ना, ये अपनी च्वाइस है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर के ये च्वाइस बनाई है कि हम इन सात को रखने वाले हैं, इससे अपना काम चल जाएगा। थीटा और ओमेगा यानी जो एंगल्स की बात आ रही थी, तो ये एंगल्स परफेक्टली फंडामेंटल जैसा बिहेव नहीं कर रहे थे, यानी हर एक जगह इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं कहीं पर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। जितना भी ये केस है फंडामेंटल का, ड्राइव का, सप्लीमेंट्री का, ये सब इन ह्यूमन की च्वाइस है, हम लोगों की च्वाइस है, वी हैव एक्सेप्टेड। सो आप एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हो, एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जिसमें इंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा, उससे भी आप सारे फिजिकल फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो है, ये बाय कन्वेंशन है, ऐसा कन्वेंशन से चूज किया गया है, जरूरी नहीं है कि आपकी बात चूज करो, आप कुछ और भी चूज कर सकते हो। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में बोलेंगे कि सपोज कर लीजिए कि हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है अभी, उनको हम नहीं मानते हैं, नया मानते हैं, तो क्या होगा? तो फिर नया कैसे करते हैं? तो लॉजिक हो जाएगा, सेट कौन सा फंडामेंटल है कौन सा नहीं है वो आप अपना चूज कर सकते हो, इंटरनेशनली क्या एक्सेप्टेड है वो मैंने आपको बताया। ओके,
सॉलिड एंगल के बारे में बोले, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यस एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन उस वो क्रूड वर्जन है, प्रॉपर वर्जन होगा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट, तो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आप समझेंगे। तो सॉलिड एंगल रफली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, और ओवर द टाइम आप लर्न करेंगे तो वो क्या होता है, एरिया के जो पॉइंट्स होते हैं ना, आर आर की वैल्यू बदलती रहती है, तो अगर हर एक पॉइंट का आर अलग अलग हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कौन सा आर चूज करेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। इसके डायमेंशंस डायमेंशंस के बारे में आप वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जब हम लोग डायमेंशन पढ़ लेंगे। देखो क्या होगा ना, आपके पास कुछ नॉलेज होगा ऑलरेडी, तो अभी आप कैसे लर्न कीजिए, जितना हम लोग बता रहे हैं, सीख रहे हैं, जितना अभी तक पढ़ाया जा रहा है, केवल उस पर फोकस रखिए, और जो आपके पास ऑलरेडी का नॉलेज है उसको अभी रखिए पेशेंस के लिए। जब वो टॉप जैसे डायमेंशन के बारे में हम लोग बता लें, आप समझ लें, मैच कर लें कि जो आपको आता है, जो मैं बता रहा हूँ, दोनों मैच्ड है, फिर आप उस पर क्वेश्चंस कीजिए। और अगर आपका जो नॉलेज है वो कम पड़ रहा था तो उसमें अपग्रेड कर लीजिए, नहीं था तो उसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उस पर अगर आपको कोई डाउट रहता है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद वाले जो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो जब वो टॉपिक आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इसलिए हमने डायमेंशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला, क्यों, क्योंकि हम डायमेंशन एक बार समझेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट आपका चैट में लिखा हुआ है, देन विल ओमेगा विल आल्सो बी डायमेंशनलेस। ओमेगा के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, अभी आपको आइडिया दिया ओमेगा का यूनिट ये है। हाँ, ओमेगा का डायमेंशन, अभी हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, देन यू रियलाइज कि ओमेगा का डायमेंशन कितना होता है, कैसे निकलेंगे, उसमें थीटा का डायमेंशन लिखेंगे, टी का डायमेंशन लिखेंगे, थीटा डायमेंशन लेस होगा, टी का डायमेंशन होगा, इस वजह से ओमेगा का डायमेंशन रहेगा। सो प्लेन एंगल कैन बी यूज टू डिराइव सम क्वांटिटीज, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट फंडामेंटली, यस। सो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनका हम यूज कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए, बट उन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को क्वांटिटीज को हमने सप्लीमेंट्री नाम देकर रखा है, नॉट एज अ फंडामेंटल। ओम यू आर राइटिंग, देन कैन वी टेक लाइक स्पीड एंड टाइम एज फंडामेंटल एंड लेंथ एज अ डिराइव, यस वी कैन एब्सोल्युटली हैव अ लेंथ एज डिराइव एंड बाई यूजिंग स्पीड एंड टाइम, यस वी कैन डू सो। अगे मैं आपको पहले डायमेंशन के बारे में बता दूं और उसको फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आते रहेंगे, आप जरूर उनको पूछते रहिए। सो व्हाट आर द डायमेंशंस, पहले आप उसको समझ लेते हैं, ये यूजफुल है और पूरी फिजिक्स में इसका यूज है, न केवल इस पॉइंट पर बट आगे भी इसका यूज है और काफी ज्यादा यूज है। मैं आपको बेसिक पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ जो आपके मॉड्यूल में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि प्रीफिक्स लगाते हैं, मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, किलो क्या होता है, आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल थिंग, और अगर उसमें इशू है तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो, और कैसे लिखना जाता है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो आप वे ऑफ राइटिंग एक बार पढ़ लीजिए, जो पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप बात करेंगे, जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं, अगर वो ड्राइव्ड है तो, क्योंकि फंडामेंटल तो हमारे पास साथ ही है और टोटल तो हमारे पास इनफाइनाइट जैसा है, तो सभी किसी भी फंडामेंटल किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लेंगे तो वो फंडामेंटल से मिलकर करना होता है। तो फिर डायमेंशन क्या होगा, तो पहला हमारा काम ये होगा कि कोई भी क्वांटिटी होगा उसको हम फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे स्पीड को हमने कन्वर्ट किया, ये लेंथ से रिलेटेड है और टाइम से रिलेटेड है। फिर हम ये देखेंगे कि लेंथ कितनी पावर यूज कर रहा है, टाइम कितनी पावर यूज कर रहा है, जो पावर होती है डायमेंशन कहते हैं। सो डायमेंशन इज बेसिकली पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी दैट आर यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको मैं लिख देता हूँ और वही डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आपके नोट्स में दिया गया, कि इट इज पावर, सो इट इज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज
needs to be raised to represent the given physical quantity. So किसी given physical quantity को represent करने के लिए fundamental quantities को किस power तक raise करना होता है, उस power को हम dimension कहते हैं. Copy कर लीजिए, छोटी सी definition है. So it is the power up to which the fundamental quantity has to raised up to. Examples आप समझेंगे. जैसे मैं एक example pick करता हूँ. लेट्स से एग्जांपल मैं लेता हूं वॉल्यूम का, सिंपल वन. सो अगर आपको वॉल्यूम लिखना होता है तो वॉल्यूम वी से लिखते हैं. वॉल्यूम के लिए आप थ्री डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे लेंथ, विड्थ और थिकनेस, कुछ ऐसा बोलते हो. अगर क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो क्यूब है तो फिर डायमेंशन का स्क्वायर कर, क्यूब कर देते हैं. पॉइंट इज की लेंथ 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 को तीन बार मल्टीप्लाई करते हो, तो आप देखो कि ये जो जाएगा वो लेंथ रेस्ट थ्री जाएगा. नाउ वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम के लिए डायमेंशन क्या है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो थ्री है. किसके लिए? लेंथ के लिए और लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम हैज डायमेंशन थ्री इन लेंथ. तो लेंथ में इसकी थ्री डायमेंशंस हैं वॉल्यूम के लिए, केवल लेंथ ही है. इसमें अगर आपसे पूछेगा कि मास में कितना है, सो वॉल्यूम हैज डायमेंशन जीरो इन मास. वॉल्यूम हैज डायमेंशन जीरो इन टाइम. मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स है, जिसका नाम मैकेनिक्स है. और भी बाकी लिखना होता है, टेम्परेचर में भी लिख सकते हैं और करंट में भी लिख सकते हैं और ल्यूमिनस, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखा था उस पर भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब हम वॉल्यूम को ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ रेस्ट पावर थ्री, मास रेस्ट टू पावर जीरो, टाइम रेस्ट टू पावर जीरो. So volume has dimension zero for time, zero in mass, three in length. This is how the dimensions are written. इसको नोट कीजिए और समझ लीजिए. इसके बाद हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. Are in your writing, is it true that all derived quantities have unit dimensions? Yeah, they will have a unit dimensions because उनको हम लोग fundamental के term में लिखेंगे. Fundamentals जो होते हैं वो आपस में independent होते हैं, तो वो यूनिक डायमेंशंस को लिख लेंगे. ऐसा लेंथ लिखना, मास लिखना, टाइम लिखना अपने लिए भारी पड़ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या, सिंबल्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. और सिंबल्स कुछ इस तरह से यूज करेंगे, लेटर से दिखा स्टार्ट करेंगे. तो जो हम लोग सिंबल यूज करने वाले हैं, जहां भी मास टर्म आएगा, मास, उसको हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे. जहां भी लेंथ आएगा उसको हम लोग कैपिटल एल से इंडिकेट कर देंगे. जहां भी टाइम आएगा उसको हम टी से इंडिकेट कर देंगे. आप पाओगे मोस्टली हमको यही मिलने वाले हैं, मोस्टली. आगे चल करके कई बार आपको करंट करंट मिलने वाला है. तो अगर आपको करंट मिलेगा तो करंट का हम लोग एम्पियर यूज करते हैं, ए. इसके लिए सी नहीं यूज करते हैं, ये सिर्फ कन्वेंशन है, लोगों ने क्या चूज कर लिया है. सो करंट के लिए हम लोग ए, ए फॉर एम्पियर होता है, इसलिए ए चूज करेंगे. इसी तरह से आपको कभी टेम्परेचर मिलेगा तो टेम्परेचर के लिए आप थीटा यूज कर लेंगे. कई बार लोग इसको के यूज कर लेते हैं. सो के और थीटा कुछ भी यूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो टेक्स्ट बुक क्या फॉलो कर रहा है. सो जनरली इन नंबर्स को हम लोग पाते हैं, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके टर्म में डिराइव क्वांटिटीज को लिखते हैं फ्रिक्वेंटली अपने जो सिलेबस में. तो उनके लिए एम एल टी, दीज आर द मोस्ट रिपीटेडली आने वाली क्वांटिटीज हैं.
कभी कभी आपको करंट भी मिल जाएगा और कभी कभी आपको टेम्परेचर भी मिल जाएगा, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो डायमेंशन है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो हमको सबको ऊपर लिखना होगा सो दैट कि मल्टीपल में दिखाई दे, डिवीजन में दिखाई ना दे। तो इस वॉल्यूम को हम लोग कन्वेंशनली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम और अगर आप इसको सिंबॉलिकली दिखाओगे तो बिग ब्रैकेट लगाना है और वी लिख देना है। सो दैट विल बी इंडिकेटिंग डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम और इसको फिर लिखेंगे एक बिग ब्रैकेट लगाएंगे एम एल टी सारा कुछ लिखेंगे, जनरली एम एल टी यूज करेंगे। मास का लिए मास के करस्पॉन्डिंग कितना डायमेंशन है 0, एल के करस्पॉन्डिंग कितना डायमेंशन है 3, टी के करस्पॉन्डिंग कितना डायमेंशन है 0। सो दैट बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो आपसे बोलेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला रिटन लाइक दिस। अगर आपने पहले गो थ्रू किया है तो आपके लिए बहुत इजी जा रहा होगा और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो भी आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट उस क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिखना है, फिर पावर्स को देखना है, फिर उनके सिंबल्स को यूज कर लेना है। कन्वेंशनली बिग ब्रैकेट यूज करेंगे और ये बताएगा कि 0 पावर इन मास, 3 पावर इन लेंथ, 0 पावर इन टाइम है और ये यूनिक आने वाला है जैसा आपने अभी बोला। कॉपी कर लीजिए। फिर अब मैं आपसे अब क्या करता हूँ कि जो क्वांटिटीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होगा, उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपसे पूछता और सारी क्वांटिटीज का नहीं पूछ सकते और आप बता भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में भी ऐसी है जो आपको अभी पढ़ना बाकी है। जिस चैप्टर में जो क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वहाँ पर कर लिया करेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। और जब तक अपना सिलेबस खत्म होगा तो अपने पास एक कंप्लीट लिस्ट हो जाएगी सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, तो फिर एग्जाम में कभी आएगा तो हम तुरंत बता देंगे। माइंड इट, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी अभी जो इससे पहले अभी जेई मेंस हो गए हैं तो उनके पेपर उठा के देखिए तो ऑलमोस्ट हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आपको डायमेंशन से रिलेटेड पूछता है। ऐसा बोलेगा कि पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार ऑप्शन देगा, आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना होता है। दैट मीन्स विद इन वन और टू लेक्चर्स हम लोग एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएंगे जेई मेन के लिए और वो कंप्लीट लाइक ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन आप करके आ रहे हो, करेक्ट करके आ रहे हो। दैट्स अवर पर्पस। आपने कुछ लिखा उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। देन हाउ डू वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम डायमेंशन। हाँ, तो हम लोग वेलोसिटी समझेंगे, स्पीड समझेंगे। अभी ये जो क्वांटिटीज हैं, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, जो भी आप नाम ले रहे हो, 9th, 10th या फाउंडेशन कोर्स में आपने उसका बेसिक आइडिया लिया होगा। उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस, दे क्या आई, वो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे उस समय उसको डीप में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल क्वांटिटी पे बात करना भी स्टार्ट कर देंगे तो आप पाओगे अपने पास इनफाइनेटली मैनी क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। सो सभी का तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ केवल ब्रॉड आइडिया ले रहे हैं कि अगर क्वांटिटी पता हो, उसके बारे में अपने को नॉलेज हो, तो हम क्या करके उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। अभी हमको नॉलेज लेना बाकी है, अभी हमको स्पीड जानना बाकी है, अभी हमको वेलोसिटी जानना बाकी है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो सीखना बाकी है। बेसिक आइडिया और रफ आइडिया आपके पास हो सकता है, एग्जैक्ट आइडिया हम लोग देने वाले हैं। सो हैव सेम डायमेंशन इवन दे आर वेरी डिफरेंट। सो ऐसा हो सकता है, ये अगर आप पॉइंट एड्रेस कर रहे हो कि डिफरेंट क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस फॉर्मूला हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी का यूनिक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये ट्रू है। अगला आपने लिखा है इज इट सो दैट द सप्लीमेंट्री कैन नॉट बी रेस्ट टू अ पावर हेंस दे आर डायमेंशनलेस। यस, इस तरह से आप बोल सकते हो कि उनका जो डायमेंशन होगा वो जीरो होगा क्योंकि उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर पे रेज नहीं किया जा सकता। सो उसके लिए अगर आपको थीटा का निकालना होगा तो थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, थीटा को लिखेंगे एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया, 0 हो गया, वो डायमेंशन लेस हो गया। ओके, आपने रिलेट किया, दिस गुड। सो नो टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस ना, दो क्वांटिटीज सेम डायमेंशन रख सकते हैं लेकिन एक क्वांटिटी दो डायमेंशंस नहीं रख सकती है।
अच्छा पॉइंट है वो, आर्यन ने भी सिमिलर टाइप का बोला कि एक क्वांटिटी के पास एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, लेकिन एक डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीपल क्वांटिटीज के लिए हो सकता है. डायमेंशंस कैन बी निगेटिव, यस दे आर, डायमेंशंस कैन बी निगेटिव. ये कॉपी हो गया. आगे बढ़ते, अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले इसमें हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं प्रॉपरली डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में, फिर इसके यूजेस पे आएंगे. राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज. आपके मॉड्यूल में मैंने एक लिस्ट दे रखी है, आप वो लिस्ट को देख सकते हैं. आई विल सजेस्ट कि आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो ब्रेन है ना, उसको प्रॉपर पर्पस के लिए यूज करना है, थिंकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, ना कि मेमोरी के लिए. एक बार आप क्वांटिटीज को पढ़ोगे, आपको आइडिया होगा, आप इमिडिएटली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो. कोई भी क्वांटिटी होगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत निकाल सकते हो. अभी जो आपके टेस्ट होंगे, अगर उसमें हम पूछेंगे तो उनका ही पूछेंगे जिनका बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो. कोई भी डीप और डिफिकल्ट क्वांटिटी का नहीं पूछेंगे, जिसके बारे में अभी तक आपने सुना ना हो. वो तब पूछेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा. अपना पर्पज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को लर्न करें, हाउ थिंग्स वर्क्स, रादर देन मेमोराइजिंग थिंग्स. जैसे कि फर्स्ट है डेंसिटी. डेंसिटी आप लोग जानते होंगे, डेंसिटी को कन्वर्ट कीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, और फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए, और फिर आप बताइए कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बनने वाला है. अगर आपने कनेक्ट कर लिया है तो बहुत जल्दी आंसर भी कर सकते हो. एक आंसर ML पावर -3 आ रहा है, m पावर 1, l पावर -3, t पावर 0. ओके, हाँ, लिखने को तो हम प्रॉपर वैसे ही लिखते हैं, सभी को लिख करके सभी की पावर बताते हैं. आप चैट में सिंपलीफाइड वर्जन में भी लिखोगे तो भी एक्सेप्टेबल है. आप क्या करोगे, डेंसिटी को लिखोगे मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. फिर डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं, आप डी से भी लिख सकते हो. मास को एम से लिखते हैं और वॉल्यूम को वी से लिखते हैं. अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी निकालना होगा तो हम लिखेंगे, इसमें मास आएगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये एम बनेगा मास, ये एल की पावर 3 था, एल क्यूब था. सिंप्लीफाई करोगे तो एम एल की पावर -3, आप इस तरह से दिखा सकते हो. एम एल की पावर -3 है, इसको हम लोग क्या समझेंगे, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एम रेस्ट पावर 1 है, एल रेस्ट पावर -3 है, टी रेस्ट पावर 0 है. ऑप्शन में अगर ये दिया होगा तो इसको मार्क कर देंगे, ये दिया होगा तो इसको मार्क कर देंगे, दोनों नहीं देगा क्योंकि दोनों एक ही बात है. तो मास के लिए डायमेंशन 1, लेंथ के लिए डायमेंशन -3. लेंथ हैज अ डायमेंशन, और लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन है डेंसिटी में वो -3 है. गुड, डेंसिटी आपने लिख दिया. और भी क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जो क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा. अगेन वी आर कैचिंग वेरी सिंपल थिंग्स. और ये जो फोर्स वगैरह है ये काफी रिपीटेडली आता है. एम एल टी रेस्ट पावर -2. गुड, तो बोलोगे फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास डिवाइड बाय एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी, दैट मींस लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर. क्या बोलते हैं, मैंने मास इनटू एक्सीलरेशन कुछ गड़बड़ कर दिया. वी राइट इट एज अ मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास को हम लोग एम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम, और एल टी रेस्ट पावर -2. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर आता है,
और वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम, तो यूनिट कर लेते हैं। सो बेसिकली अपने को पता चला फोर्स का जो डाइमेंशनल फॉर्मूला है उसमें एम आएगा, एल आएगा, टी रेस्ट पावर माइनस टू आएगा। गुड, सो यू पीपल आर राइटिंग प्रॉपरली, टी रेस्ट पावर माइनस टू एम एल के पावर वन आएगा, ऐसा लिख करके बता सकते हैं। एक दो क्वांटिटीज के बारे में और बात करते हैं। वर्क डन, आपने वर्क के बारे में पढ़ा होगा, वर्क डन नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, वर्क डन को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा इन केस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी और एस, जहां पर एस लेंथ को इंडिकेट कर रहा है और एफ फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर आपको फोर्स पता चल गया तो बस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, एज सिंपल एज एनीथिंग। सो अपने को पता चलेगा कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा और लेंथ का आएगा एल। फोर्स की वैल्यू रख पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे पावर तो एडअप करेगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टी रेस्ट पावर माइनस टू हो जाएगा। सो वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने लिए जा रहा है दैट इज एम एल टू टी रेस्ट पावर माइनस टू। पढ़ने के लिए हम लोग ऐसा भी पढ़ लेते हैं एम एल टू टी रेस्ट पावर माइनस टू सिंप्लीफाइड वर्जन में, और किसके करस्पॉन्डिंग कितना पावर है वो हम लोग इजिली बता सकते हैं, किसके पावर कितना डायमेंशन है वो बता सकते हैं। डी काइनेटिक एनर्जी, यू पीपल नो व्हाट द काइनेटिक एनर्जी इज, हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये जो हाफ है थ्री है, ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं दे आर डायमेंशनलेस, तो मास की लिखनी है, वेलोसिटी की लिखनी है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप ऐसे लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, हाफ का एलिमिनेट कर देंगे, हाफ का कुछ नहीं होता है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है लेंथ बाई टाइम, तो लेंथ टी रेस्ट पावर माइनस वन, टाइम को ऊपर लिखे आएंगे, टी रेस्ट पावर माइनस वन हो जाएगा, और स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो एम एल रेस्ट पावर टू आ रहा है, टी रेस्ट पावर माइनस टू आ रहा है। इसमें कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है, चेक कर लीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे एम एल टू टी रेस्ट पावर माइनस टू। नाउ अब आप एक बात चेक करो, वर्क डन की डायमेंशन देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, आर यू गेटिंग बोथ सेम आइडेंटिकल? ये ML to T raise power minus 2 है, ये भी ML to T raise power minus 2 है, both are same. इसका मतलब है दो different quantities, work done और kinetic energy, they are different quantity, they can have the same formula, but एक physical quantity दो formula नहीं रख सकता है, that means work done का इसके अलावा कोई और formula नहीं बनेगा। So, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज यूनिक, दैट मींस इट इज सिंगल, बट द सेम फॉर्मूला कैन बी फॉर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, यस दैट इज द केस, वो भी एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट हैव अ टू डायमेंशनल फॉर्मूला, same dimensional formula can be for two physical quantities, ye example mein elaborate kiya gaya. Now ye to maine kinetic energy bola, agar aap se koi potential energy bolta hai to potential energy ka bhi wahi aayega, isiliye speed aur velocity ka same aayega, to aapka ek answer ho gaya over the time ki speed aur velocity they can have the same dimensional formula. Good, so agar aap se potential energy puchta uske liye bhi yahi answer aayega, कोई भी एनर्जी पूछेगा तो उसके लिए भी यही आंसर आएगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, वो आप चेक कर लेना, कि अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का निकालते हैं,
या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी एनर्जी का निकालते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, वट एवर द सोलर एनर्जी, जो भी एनर्जी आप जानते हो, सारी एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला, और हम वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ये सब बराबर होते हैं। आप आगे देखेंगे कि ये सारी क्वांटिटीज आपस में लिंक्ड हैं। वर्क इज लाइक एनर्जी, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सारा आपस में कनेक्टेड है, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला उनके सेम रहते हैं। एनीवे, वो रीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सेम, बट सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट हैव टू डायमेंशनल फॉर्मूलाज। इसीलिए आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, दैट मीन सिंगल आंसर पूछता है। अपने फर्दर लिखा, यूनिट कैन बी डिफरेंट इवन इफ डायमेंशंस आर सेम। यूनिट कैन बी डिफरेंट इवन इफ डायमेंशंस आर सेम, यस वी कैन से टू सम एक्सटेंट, यस वी कैन से। इनफैक्ट जनरली क्या होता है, यूनिट और डायमेंशंस मैच करते हैं। अब देखो कि एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जूल होता है, कॉस का भी जूल होता है, वर्क डन का भी जूल होता है, जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, वो सारी स्टोरीज हैं। बट यस, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को अगर आप दिमाग में रखोगे तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कभी वो थीटा दिखता है तो उसका यूनिट होता है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती है। उस सेंस में आपका जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है रिद्धि, यूनिट कैन बी डिफरेंट इवन इफ डायमेंशन आर सेम। यस दिस इज गुड पॉइंट, करेक्ट पॉइंट। अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट लिखते हैं। नेक्स्ट इसी में ए बी सी चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हैं। ए बी सी डी के बाद ई आएगा। आपसे बोलता है एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। सो अभी थोड़ी देर पहले इसको एंगुलर वेलोसिटी को जनरली हम ओमेगा से लिखते हैं और ये थीटा बाई टी होता है। तो हम लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला of angular velocity is going to be equal to dimensional formula of theta and dimensional formula of time raised to power minus 1. T ऊपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा। Now theta जो होता है वो किसी physical quantity से, किसी fundamental quantity से link नहीं है, तो theta का dimension जो है वो आप याद रख सकते हो, ये dimensionless होता है। So theta has a dimension m, mass पे 0 power लेगा, l पे 0 power लेगा, t पे 0 power लेगा, क्योंकि ये थीटा को डिफाइन करने के टाइम पर आपको ना तो एम की जरूरत पड़ रही है, ना तो एल की जरूरत पड़ रही है, ना तो टी की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब है एंगल इज डायमेंशनलेस। अब आपका वो पॉइंट जस्टिफाई हो गया कि थीटा यानी एंगल डायमेंशनलेस है लेकिन इसके पास यूनिट है रेडियन। तो अपने पास ये बनेगा डायमेंशनलेस, दैट मीन्स जीरो पावर बनेगा, तो ओमेगा का जो यूनिट बनेगा, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, टी रेस्ट पावर माइनस वन। यस दैट्स सफिशिएंट। और एम रेस्ट पावर जीरो, टी एल रेस्ट पावर जीरो, टी रेस्ट पावर माइनस वन, उस तरह से भी लिख सकते हैं। सो टी रेस्ट पावर माइनस वन। इसी तरह से सॉलिड एंगल के बारे में कभी बात करेगा तो सॉलिड एंगल को भी आप यही बोलने वाले हो कि दैट डजंट यूज दीज थिंग्स, that's also dimensionless. अब आपने बहुत fundamental question पूछा है कि इनके पास unit क्यों होता है, क्योंकि हम angle को measure करते हैं, और अगर हम measure करते हैं तो unit हमको decide करनी पड़ेगी। जैसे आपसे कोई बोलता है कि 30 degree का angle design करो, तो you know degrees हमको पता होना चाहिए, तो हमको assign करना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ को measure कर पाते हैं तो उसको हम unit देते हैं। If we can measure a thing, quantify a thing, we need to give the unit. That means we need to have a reference standard. Unit ki definition kya thi? Reference standard. Dete hain degrees hai, radians hai, steradians hai. However, dimensions are entirely different thing. Dimension define kya kiya hai? Ki jo fundamental hum logon ne quantities accept ki hain, uski kis power pe depend karta hai. To yahan par hum log dekh sakte hain ki theta फंडामेंटल की पावर पे नहीं डिपेंड करता है। और अगर आप लास्ट क्लास के थीटा की डेफिनेशन को यूज करोगे तो थीटा कैसे डिफाइन किया गया था, लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, इजंट इट। अब ये आप थीटा का डायमेंशन देखो ना, थीटा का डायमेंशन आएगा लेंथ का एल डिवाइड बाय रेडियस का एल, दैट मींस हाउ मच, एल रेस्ट पर जीरो। सो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस एंगल्स डायमेंशन बिकम जीरो।
सिमिलरली आप इसका भी देख सकते हो सॉलिड एंगल का. सो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा बोला गया था, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ का स्क्वायर, और आर भी तो लेंथ है तो ये भी लेंथ स्क्वायर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, एल रेस टू पावर जीरो. एम और टी दिख नहीं रहा तो वो भी जीरो है. इसका मतलब उनके डायमेंशन जीरो आते हैं बाय द डेफिनेशन. सो डायमेंशन को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला से डिसाइड करते हैं. हाउ एवर यूनिट यूनिट इज फॉर क्वांटिफिकेशन. तो अगर हम किसी चीज को क्वांटिफाई कर पाते हैं, किसी को मेजर कर पाते हैं, तो उसके लिए हमको यूनिट चाहिए होती है. तो इसलिए थीटा के लिए हमको डिग्री चाहिए होती है, रेडियन चाहिए होता है, ओमेगा के लिए हमको स्टेरेडियन चाहिए होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन. जनरली स्टूडेंट दोनों में मिक्स करता है एंड फिर समवेयर लॉस्ट हो जाता है. सो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं. यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, मेजर करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, एंड डायमेंशंस आर पावर ऑफ द फंडामेंटल दैट वी हैव चोजन. वी मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी. और अगर कोई आपसे क्वेश्चन देगा जिसमें आप नया सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज देगा, तो जब नया सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको हाइपोथेटिकली या फिर नए क्वेश्चन में देगा, तो हम उन्हीं क्वांटिटीज की पावर को देखेंगे. तो उन्हीं क्वांटिटीज के टर्म में लिखेंगे, फिर उन्हीं क्वांटिटीज के टर्म में पावर को देखेंगे. ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं, एडवांस में आते हैं. मेंस में बहुत सिंपल आता है, जो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्टेड फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं के बारे में पूछता है. सो टू बिगिन विद, सिंस आज आपका सेकेंड लेक्चर है, तो हम लोग स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं सो दैट एवरीबडी कैन कम ऑन द ट्रैक और ये पार्ट बेसिक समझ जाए, तो फिर हम लोग एडवांस जैसे क्वेश्चन भी पिक करेंगे. सो कैन आई होप कि ये आपका यूनिट और डायमेंशन का जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के साथ कनेक्शन था वो क्लियर हो गया. अब आप क्लियर कट स्टेटमेंट दे सकते हो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव यूनिट्स बट आर डायमेंशनलेस, और प्रूफ कर सकते हो क्योंकि यहाँ से डायमेंशन जीरो प्रूफ हो रही है और मेजर करते हैं इसलिए देते हैं. ओके एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, कोई क्वांटिटी को रिकॉल करके फिर इसके एप्लीकेशन पे आते हैं. सो अपने और क्या पढ़ा होगा नाइन टेंथ में, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ. प्रेशर डेंसिटी जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, विस्कोसिटी वगैरह आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, टॉर्क वगैरह के बारे में आपको कम आइडिया होगा. चलेगा, एक बार एक नया नाम दे देते हैं और उसका फॉर्मूला भी दे देंगे. आपसे बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई आपसे पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन बताइए या डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो आप जरूर निकाल सकते हो. नहीं पता है तो फिर जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, उसके बाद निकालोगे. अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला देते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और आई की वैल्यू सम कॉन्स्टेंट टाइम एम आर स्क्वायर जैसी होती है, जहां पर k कांस्टेंट है. सो इन केस अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए तो आप डायमेंशन जरूर निकाल सकते हो, ये आपको गिवन है. सो अपने पास कुछ आंसर्स आ रहे हैं. ओके गुड, सो आप पर्पस समझ गए. पर्पस हमारा क्या है, इन केस वी नो द क्वांटिटी कैन वी फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला. सो ये पर्पस अपना कंप्लीट हो जा रहा है. तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का जो डायमेंशनल होगा वो के के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है, तो ये एम का डायमेंशन आएगा और आर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर आ जाएगा. तो ये सिंपली बन जाएगा एम एल स्क्वायर. आर का मतलब रेडियस होता है या फिर लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को हम एल से लिख सकते हैं. एम एल स्क्वायर टी रेस पर जीरो लिख सकते हो या एम एल स्क्वायर के लिख सकते हो. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. सो अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं. अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्यूचर में
आपको अगर किसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उसका फॉर्मूला मिले, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। अभी ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको सभी के फॉर्मूलाज याद हों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है ना। फिजिक्स पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा उस समय। सो डोंट मेमोराइज कि किसका क्या फॉर्मूला होता है, बट डू रिमेम्बर इफ वी नो द फॉर्मूला कैन वी फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। इफ यू आर एबल टू डू दिस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। सो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ओके नाउ वी कैन सेटल कि वी आर एबल टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। काफी टाइम भी दे दिया और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन को यूज करते हैं, उससे जो भी एनालिसिस करते हैं उसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा लिख सकते हैं। If you see last year's papers, advanced paper, कभी free time हुआ करे तो previous year, आप लोग एक काम और भी कर लीजिए, previous year questions का collection collect कर लीजिए। Better would be कि उसका hard copy purchase कर market से online or otherwise। Last year की questions main का as well as advanced का अलग अलग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, mains का अलग advanced का अलग। सो जो चैप्टर आपका चल रहा हुआ करें, जितने कंटेंट आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर का, उस कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है क्या, वो आपको घर पे चेक करना है। अगर कोई क्वेश्चन आया है उसी लैंग्वेज को लेकर के, फिर आप उसको ट्राई करोगे क्या आप कर पा रहे हो। मेंस का कर पा रहे हो दैट मीन्स यू आर गुड, और एडवांस का कर पा रहे हो दैट मीन्स दैट्स व्हाट द पर्पस इज। सो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एग्जाम कैसा जाता, एग्जाम में क्या पूछा जाता है और हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। अभी तक जितना आपने पढ़ा है डायमेंशनल फॉर्मूले को लेकर के, तो अगर आप मेंस का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर रखोगे तो उस पर आप देखोगे कि डायमेंशनल एनालिसिस पर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में एवरी ईयर देयर वन और टू क्वेश्चन आर कमिंग। उसमें हो सकता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले जाओ, कुछ क्वेश्चंस में इशू इसलिए बन जाएगा क्योंकि ऐसी क्वांटिटी का नाम लिया होगा, शायद उस क्वांटिटी के बारे में आपको पता ना हो। बट अगर उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता चल जाता है तो आप आंसर दे पाओगे या नहीं ये चेक कर सकते हो। क्वांटिटीज यू विल लर्न ओवर द टाइम, क्योंकि जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो उसको लर्न करेंगे। तो ये जरूर आप ले लीजिए लास्ट ईयर के पेपर्स, और उसको चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर फिनिश होता है या चल रहा होता है उसके टाइम पर आप उसको देखना है। आप देखोगे कि डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस एडवांस में भी आता है। सो वेरी बिगनिंग वेरी सिंपल चैप्टर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने की एबिलिटी दे रहे, दैट्स अ बिग डील। और ये एक बार आप आइडिया समझ जाएंगे तो फिर अपना काम कंप्लीट होगा, किस तरह से इसके एप्लीकेशन करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सो इसके कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ते हैं और जो अपने लिए काम का है। पहला एप्लीकेशन जो रहेगा वो किसी फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमको एक फॉर्मूला गिवेन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। उसके लिए तो ऐसा लिख सकते हैं टू वेरीफाई, टू चेक dimensional correctness of a given equation। कोई भी equation अगर आपको दी गई है, कोई भी formula आपको दिया गया है, अपने को ये check करना हो, हम ये check कर सकते हैं कि वो dimensionally correct है। इसके साथ मैं एक पॉइंट दे देता हूँ कि कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ने वाले, नो मैटर विच फॉर्मूला यू आर स्टडिंग, वेदर इट्स इन काइनेमेटिक्स एनएलएम या फिर एनर्जी में या फिर रोटेशन में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कहीं भी कोई फॉर्मूला आएगा, एक खास बात रहेगी उस फॉर्मूला या उस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। दैट मीन्स फॉर फॉर्मूला, क्योंकि वो कोई फॉर्मूला होगा तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। सो फॉर एनी फॉर्मूला या इक्वेशन व्हाट शुड बी द केस, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दैट्स कंपल्सरी. अगर लेफ्ट साइड की डायरेक्शंस राइट साइड की डायरेक्शंस के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो इक्वेशन ये फॉर्मूला रॉन्ग है. और अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस मैच करते हैं, इसका मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट है. इसका मतलब है कि अगर कोई भी फॉर्मूला हमको देता है तो हम ये चेक करके जरूर बता सकते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है. सो डायमेंशनली करेक्ट होना एक नेसेसरी कंडीशन है. नेसेसरी दैट मीन्स इट मस्ट बी देयर, अदरवाइज नहीं है. अगर एक फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो वो करेक्ट फॉर्मूला होगा या नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है तो वो इनकरेक्ट होगा, ये जरूर कह सकते हैं. ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं होगी. सो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो हम ये कहेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है. फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो हम जरूर कंक्लूड कर देंगे कि जो भी फॉर्मूला है वो करेक्ट नहीं है. सो डायमेंशनल करेक्टनेस हम लोग चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन ओके. एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं, दो एग्जांपल हो जाएंगे इसमें, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, फील कर पाओगे. और इसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज आप जानते हो, जितना भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, सबको आप वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए. लेफ्ट साइड का डायमेंशन लिखिए, राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, आप पाएंगे कि अगर वो फॉर्मूला है तो ये बराबर जरूर होगा. आपने लिखा है कुछ, वो पढ़ लेता हूँ मैं. वही क्वान्टिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला पूछेंगे ना जो हमारे सिलेबस में है. हाँ बिल्कुल, ये मैं ख्याल रखूंगा कि अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछूंगा टेस्ट में, वो वही जो अभी तक आपने पढ़ रखा है और आपके सिलेबस में, एग्जाम में भी वही पूछेगा कि जो आपके सिलेबस में है. कोई ऐसी क्वांटिटी आपसे नहीं पूछ लेगा कि जो इसके बारे में आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्या है और वो पूछ लेना, फिर वो इलॉजिकल हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा वो. और क्वेश्चन मेकर इस बात का ख्याल रखता है, जो IITs हैं या फिर NTAs हैं, वो स्टूडेंट के फेवरेबल में बात करते हैं. और अगर कोई नया नाम देगा तो उसका फॉर्मूला बना के दे देगा. सो आइदर वे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. अस्मित यू आर राइटिंग, हम यहाँ भी कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे ना. हाँ कांस्टेंट डायमेंशनलेस रहेगा. कुछ और रूल्स हैं आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है. तो इसको जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला था, आई डाउट कि आपको कितना डाइजेस्ट हुआ है, तो उसको पहले मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ. इफ अ फॉर्मूला इज करेक्ट, इसका मतलब होगा कि उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से कम मैच करना चाहिए नेसेसरली. If dimension of left hand side are equal to dimensions of right hand side, this does not guarantee कि formula सही है. Formula may be correct, may not be correct. Yeah, equation may be correct, may not be correct. May or may not be correct. So, ये बोथ वेज ट्रू नहीं है कि अगर ऐसा है तो फॉर्मूला करेक्ट हो, जरूरी नहीं है. लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है तो ये होना जरूरी है. इसलिए ये हम चेक करके ये बता सकते हैं कि क्या फॉर्मूला रॉन्ग तो नहीं है. अगर ये बराबर नहीं आए तो हम डायरेक्टली बोलेंगे फॉर्मूला रॉन्ग है. अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, बाकी आप चेक कर लो. हाँ कॉन्स्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, वो हमने आपको बताया. एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कहता है ओके, सिंगल सिंपल वाला फॉर्मूला अपने को कोई कैच करना पड़ेगा. एक फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. अब वी हैव टू चेक दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट.
चेक इट्स डायमेंशनल करेक्टनेस। ये पॉपुलर भी एग्जाम में आया भी है, इसलिए इसको हमने पिक किया है, मॉड्यूल में भी इसी को पिक किया गया था। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पे क्या क्या इन्वॉल्व है। ये सिंपल पेंडलम की स्टोरी है। सिंपल पेंडलम में इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है, और इसको लेंथ बोलते हैं, और वो ग्रेविटी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अपने को पता होगा। हाँ, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, फिर भी मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला आएगा टाइम, टाइम का टी हो गया। राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, राइट हैंड साइड के बारे में आएगा 2 पाई को हटा देंगे आप, डायमेंशनल फार्मूला आएगा अंडर रूट एल बाई जी, यानी एल और जी का पावर हाफ होगा। एल को आप एल लिख सकते हो, लेंथ, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है लेंथ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल टी रेस्ट पावर माइनस टू होता है, इसकी रेस्ट पावर हाफ आएगा। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी रेस्ट टी स्क्वायर बनेगा, ऊपर जाके इसकी पावर हाफ आएगा, हाफ से हाफ सेटल हो जाएगा, ये भी टी आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड देखा आपने, राइट हैंड साइड देखा, आपको पता चल गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, आप देखोगे ना इसके एक और इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर हम ये 2 पाई की जगह सपोज कर लिए केवल पाई भी लिखते हैं, तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर बोल देता है। हम 2 पाई की जगह पर लेट से 3 लिख देते हैं, तब भी ये राइट हैंड साइड को बराबर बोलता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये दिया गया है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं बता पाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम कॉन्स्टेंट की वैल्यूज कितनी होंगी उसके बारे में नहीं बता पाते हैं, तभी ये वाला पॉइंट आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर भी हो तो फॉर्मूला करेक्ट होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर फॉर्मूला करेक्ट तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट को मिस कर जाते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रोडक्टिव पढ़ा हुआ है एग्जाम को करके, मेंस और एडवांस दोनों के लिए करके, इसको आप रिवाइज कर लीजिए और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। मॉड्यूल जो मैंने आपको दिया गया उसमें एक लिस्ट बनाई गई है, तो जो जो क्वांटिटीज आप जानते हो उन क्वांटिटीज को का डायमेंशनल फार्मूला निकालो घर पर, और फिर चेक करो जो उसमें दिया गया डायमेंशनल फार्मूला एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 10-20 क्वेश्चन क्वांटिटीज का आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ यू नो द फार्मूला। और फिर ये करेक्टनेस वाला भी आप घर पे कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी पुराने फार्मूलाज आपको पता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, और इसके 2-3 एप्लीकेशन और भी हैं, उनको भी लर्न करेंगे। चलेगा? एनी कंसर्न क्वेरी इफ एट ऑल यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड इट ऑफ। आपने लिखा है इफ अ फॉर्मूला डजंट हैव कॉन्स्टेंट देन वुड फॉर्मूला बी एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉर्मूला डजंट हैव अ कॉन्स्टेंट। हाँ, अगर उसके पास कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर डायमेंशन से जो आएगा फिर वो फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। सो इसके और भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट को, वो हम लोग देखेंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल्स, उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो न केवल कांस्टेंट बल्कि कुछ और भी लिमिटेशंस हैं। तो अभी आप केवल इतना ही याद रखेंगे कि अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो फिर हम इसको चेक, ये नेसेसरली करेक्ट होगा, और अगर ये करेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो फॉर्मूला नेसेसरली करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके और भी ड्रॉबैक्स हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है। ऐसे भी अभी से पढ़ना चालू कर दें। हाँ, SCB का जो डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर होगा उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको करना स्टार्ट कीजिए। SCB को पैरेलल चलाना है, जो टॉपिक आपने क्लास में पढ़ा उस टॉपिक को SCB से पढ़ने का। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, हम लोगों ने अभी निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ML T^-2, आप ही लोगों ने निकाला था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ML T^-2। मैं इसका PDF आपको शेयर कर देता हूँ और आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, देन हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू टुमारो और व्हेनेवर द नेक्स्ट लेक्चर इज। थैंक यू।